शाबाश क्या खाया था तुम्हारा बोल देनी गुड भी बोल देनी आप जीप छोड़ना गुड खाया था जीप छोड़ी मैंने जीप को नहीं छोड़ना जीप पकड़ के बोलना है नानी ने टारगेट दे रखा है इनको जीप पकड़ के बात करनी है बाय तो कर लो रे वहाँ से मन का बाय तो कर ले हेलो दोस्तों नमस्कार मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमन सोनी ब्लॉग पे आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी दिन के 2 बजे से और अभी हमारा अचानक प्लान बना कहीं जाने का तो हम जा रहे हैं आज मामा ससुर जी और के घर पर तो पूरी फैमिली जा रही है वैसे तो अभी कोई प्लान नहीं था लेकिन एकदम से मन किया कि आज वहाँ भी मेहमान आ रखे हैं तो मैंने कहा चलो थोड़ा घूम के आ जाएंगे तो नानी और भी आ रखे हैं तो सबके सब हम जा रहे हैं अभी अपने मामा ससुर जी और के यहाँ तो आप बने रहिएगा तो कैसे कैसे सफ़र रहता है आज का फिर दादी के साथ बैठिए तो सबकी तैयारी हो गई है निकलने की तो आप चलते हैं फिर और मतलब बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं हम वहाँ पे बहुत टाइम हो गया है बहुत टाइम के बाद मतलब मिलना होगा उन सबसे तो देखते हैं आज का सफर कैसे कैसे रहता है तो आप बने रहिएगा हमारे साथ आज के सफर में नानी जी भी है हेलो नानी जी हेलो नानी जी हेलो कैसे लग रहा है फिर आज बहुत टाइम बाद जा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है बाहर घूमना सबको अच्छा ही लगता है बड़ा मुश्किल से तो बाहर निकलने के लिए मिलता है और क्या नहीं तो ठीक दिन के 2 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं घर से 44 मिनट तूने कैसे बोला लाडो बाहर ही निकलोगे क्या दांत भी टूट गया लाडो का लाडो दांत दिखा ना ये दोनों टूट गए मेरे तो एक पर दांत आ रहा है जिसको मैंने निकाल तब पकड़ नानी के साथ बच्चों की बोल मैंने रोटी में गुड़ खाया नहीं नहीं तो चीटिंग कर रही है तो वो जी पकड़ के बोल गुड़ खाया ये चल रही है इनकी मस्ती एक हाथ से पकड़ना है ऐसी भी दो उंगली से पकड़ना बोल तो जीप जीप छोड़ना था जीप छोड़ी जीप को नहीं छोड़ना जीप पकड़ के बोलना है नानी ने टारगेट दे रखा है इनको जीप पकड़ के बात करनी है बिना जीप हिलाया बोलो खुशी बोलो तो बोलो पकड़ के बोलो पहले आप मेरी वाली भाषा को सुन दो ऐसे करो बिना जीप को ना पकड़े और हिलाए ना बात करना बाय तो कर लो रे वहाँ से मन का बाय तो कर ले कोई सुने नहीं आराम से लगा कोई नहीं आगे रास्ते में भेज देंगे उसको कोई दाल पर तौर पे करते लेके जाएंगे ना आराम से लेना हे गाइस तो ये है हमारे देवर जी हुँ? देवर जी ने आज बहुत अच्छा खाना पका रखा था अरे तुम ये सीधे सीधे सोने चलो और यहाँ पे छोड़ सो रखा है छोटा बाबू आरुष तो आजू क्या क्या हो रहा है फिर कुछ नहीं हमारे देवर जी शर्माते हैं वीडियो बनाने में फिर भी बना रही मैं तो अभी आ रखे हैं हम छत पे खाना पीना हमारा हो गया है और अभी देख सकते हैं आप इन्होंने कितने अच्छे से यहाँ पे पपीते का पेड़ भी है पपीते भी लगे हुए हैं छोटे छोटे से और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना बहुत सारी तुलसी हो रखी है मामी जी औरों के पड़ोस में लोगों ने इतने अच्छे से यहाँ पे तुलसी भी उगा रखी है भिंडी के पौधे भी हो रखे हैं बहुत सारे क्या है वहाँ पे
अरे वाह। और यहाँ पे देवर जी और उन्हें चिड़ियों के लिए दाना भी रखा है यहाँ पे, और चिड़ियों के लिए रहने के लिए भी बना रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। बेचारे बारिश में कहाँ जाएंगे। तो चलते हैं अभी हम आ रखे हैं छत पे। हाँ कहाँ पे है कबूतर? और ऊपर एक कबूतर भी बैठा है खम्बे पे, बड़ा सा कबूतर बैठा हुआ है खम्बे के ऊपर। और ये अभी सपना, मोनिका, मोनिका कपड़े लेके जा रही है नीचे। चलो 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 चलते हैं नीचे। वो चल चला, यहाँ पे शिवलिंग भी। चलो 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 नीचे चलो। तो चलते हैं, अब घर जाने की तैयारी हो गई है हमारी। तभी थोड़ा छत में आ रखे थे, चारों तरफ गमले भी लगा रखे हैं, बहुत अच्छा कर रखा है। जय भोले बाबा। हेलो छुटकी। हेलो छुटकी। हेलो छुटकी, कैसे हो? हेलो बाबू, कैसे हो? ठीक हो?